अरे तुम क्या लेट मत करो, क्या जा रहे केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर कल देर रात जगह जगह नाले उफान पर आ गए। नाले उफान पर आने से कई दुकानें ध्वस्त हो गई, जबकि कई दुकानों में मलबा और बोल्डर घुस गए। यात्रा मार्ग के छानी कैंप में एक नेपाली परिवार भी मलबे की चपेट में आ गया। तीन लोग तो सुरक्षित बच गए, लेकिन एक नेपाली व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही एक व्यापारी भी लापता चल रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जगह जगह श्रद्धालु फंसे हुए हैं। कल देर रात केदारनाथ पैदल मार्ग यात्रा के छानी कैंप और बड़ी लिंचोनी में बहने वाले नाले उफान पर आ गए। नालों में मलबे के साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर भी बहने लगे। इस दौरान छानी कैंप में कुछ दुकानें बोल्डर की चपेट में आ गई। टेंट कॉलोनी में भी बोल्डर गिरे। बोल्डर की चपेट में टेंट के अंदर सो रहा नेपाली परिवार भी आ गया। तीन नेपालियों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, लेकिन एक नेपाली की मौके पर मौत हो गई। इसके साथ एक व्यापारी भी लापता चल रहा है। तो ये कल रात यहाँ बादल फटा, ये बड़ी लिंचोली है, तो आप देख सकते हैं कितना नुकसान हो रखा है। तकरीबन मान के चल सकते हैं हम 2-3 दिनों तक मतलब सप्लाई बंद रहेगी इस लाइन पे। रुके और अभी भीमबली से आगे नहीं जा पा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, जाने ही नहीं दिया। अच्छा, वहाँ फोर्स लगी हुई है क्या? लगी है। अच्छा, तीन बंदे। हाँ अच्छा, उन्होंने जाने ही नहीं दिया। वो आगे हम कहाँ से आए हैं आप? जलगांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? अच्छा, तो चलिए ठीक है, अनावश्यक रिस्क नहीं लेने का ना। ठीक 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 है। ये अभी दो यात्री भीमबली से वापस लौट रहे हैं। आगे प्रशासन जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि भीमबली से आगे रिस्की जोन है।